सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्वायर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के बारे में, जिसकी मेन हाईलाइट है ट्रिपल कैमरा। अब भाई ये फोन तो है बड़ा जबरदस्त सा, अब इस बारे में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इसके ट्रिपल कैमरा के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यूनिक डिजाइन को लेके, जो कि काफी अनयूजुअल से डिजाइन है। एक्चुअली आप देख सकते हो तीन कैमरा पीछे दिए हुए हैं, उसके बाद आपको दिखाया हुआ है कि भाई जो इसका फिंगरप्रिंट रीडर है वो साइड में दिया हुआ है। तो ये काफी यूनिक से अनयूजुअल से डिजाइन है। देन ये काफी हद तक लगता है भाई सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज जो है, एस फ्लैगशिप सीरीज जो है उसकी तरह लग रहा है। अब जैसे कि अब इसमें दी गया है भाई टॉल सुपर AOM LED स्क्रीन, देन IP680 वाटरप्रूफिंग, उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है सैमसंग पे, या कहीं भी जाना है बस कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं, अपना फोन आगे करो और आपने पे कर दिया। देन उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है 3.5 mm का जैक, और साथ ही साथ भैया ये मिलता है आपको भाई पूरी हाफ प्राइस पे, पूरी ही हाफ प्राइस पे जो एस सीरीज फ्लैगशिप फोन है उनकी, यानी कि भाई काफ़ी कमाल की बात है। मिड रेंज फोन है और आपको इतना कुछ दे रहा है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑक्टा कोर A53 प्रोसेसर, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई हवावी की टॉप चिपसेट ओप्पो ये सॉरी पोको F1 जो फ़ोन है उसमें भी स्नैपड्रैगन 45 है, जो कि 300 यूरो पे, और ये है 350 यूरो पे। 50 यूरो का डिफरेंस है ना, उसको पता है कहाँ पे कवर कर रहा है, कैमराज में दे रहा है। ये ट्रिपल कैमरा से रहा है, एक है डेप्थ सेंसर, एक है भाई नॉर्मल जूम वगैरह करने के लिए और क्लैरिटी के लिए, कितनी जूम में कितनी क्लैरिटी के साथ हो रहा है, उसके बाद एक है अल्ट्रा वाइड के लिए। यानी कि जो पहला कैमरा है वो है डेप्थ सेंसर, यानी कि वो मिल जाता है आपको 5 MP FHR 2.2 के साथ। देन इसका जो दूसरा कैमरा है वो है 24 MP का, जो FHR के साथ मिल जाता है आपको 1.7 FHR का। देन जो ये है मतलब जो लास्ट वाला है वो अल्ट्रा वाइड है 8 MP का, जिसका FHR है 2.4, यानी कि एक तरीके से पूरी 3D इमेज। अगर आपने एक बार फोटो क्लिक कर ली तो जैसे एक इमेज नहीं आती जिसको आप हल्का हल्का मूव कर सकते हो अपने फोन के साथ, वो इमेज क्लिक कर पाएगा। ये हिडन फीचर्स होंगे जो हमको शायद मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें हैं भाई। और साथ ही साथ जो नॉर्मल पिक्चर भी होगी ना क्लिक करने वाला है, नॉर्मल पिक्चर वो भी काफ़ी डिफरेंट होगी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप सोच सकते हो भाई तीन तरीके से, तीन एंगल से एक तरीके से फोटो खींचने वाला है, तो ऑब्वियसली 3D से भी बढ़िया होगी। तो मैंने यार इस चीज़ को लेके एक पोल रखा है ऊपर, आप देख सकते हो आई बटन दिख रहा है एक, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फोन नजर आएगा दैट यू लव इट और यू हेट इट। लव करते हो मतलब भाई पसंद कर रहे हो इस फोन को तो उसको लव इट कर देना, और भाई नफरत है भाई पसंद नहीं आया भाई फालतू खर्चा है एक तरीके से, तो भाई हेट इट नॉर्मल क्लिक कर देना। मैं पोल में देखना चाहता हूँ, अगर आपको पोल में नहीं जाना तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उन्हें भी पढ़ता हूँ, मैं एक एक सिंगल सिंगल कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये एक सिंपल सोचने वाली बात है यार कि इन लोगों ने जो मेन हाईलाइट बनाई है एक तरीके से टेस्ट है, जो सैमसंग की अपकमिंग एस सीरीज की फ्लैगशिप वाले फ़ोन है उनके लिए एक टेस्ट है। अगर ये A7 में अच्छे से काम कर जाता है तो ये आने वाले फ्लैगशिप फोन्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग सी बात है। खैर आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं मत जाना। बाय।